मैं और जेफी दोनों जा रहे हैं बाहर आज सुबह सुबह। मम्मी बाय बाय। तो आज कुछ ऐसा है कि सुबह उठी हूँ मैं और जेफी दादा दोनों जा रहे हैं बाहर। मैं अपने काम से जा रही हूँ और सोचा कि जेफी का अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो थोड़ा ग्रूमिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन एट पॉइंट जब नजदीक आता है तब कहीं पे भी इन लोगों का भी होता है, कहीं पे जगह नहीं होती है, सब अपॉइंटमेंट फुल होती है। जैसे हमारा सैलून जैसा होता है ना, वैसे इन लोगों का सैलून होता है। तो बस रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ मीटिंग के लिए। और जब भी कार में कहीं जाना होता है ना, ये बंदा इतना एक्साइटेड हो जाता है ना, देखना। अभी इसको पता है ना कि ये मुझे बाहर लेके आई है, तो इसको एक्स्ट्रा ही प्यार आएगा। मोरू जेफी मम्मा तने बाहर लेने आई हो मम्मा, देखा। इसको पता है इसको बाहर ले, और ये इसकी फेवरेट स्पॉट है, यहीं पे खड़ा रहेगा मोस्टली। जब थक जाएगा ना तो थोड़ी देर पीछे जाएगा, अदरवाइज यहीं पे खड़ा रहेगा। वो देखेगा खड़ा होके लायन किंग की तरह, ये लायन किंग है मेरा। Moments later. का काम खत्म हो चुका है, क्यूट लग रहा है अभी। A few moments later. वैक्सीनेशन होने के बाद शांत बैठा हुआ जेफी, इसने इतना चिल्लाया है ना आज कि बात मत पूछो। The next day. आज हम लोग बनाने वाले हैं मूंग का हलवा, क्योंकि जेफी को कल वैक्सीनेशन करवाया है तो उसका हालत थोड़ा खराब है। तो जेफी के मस्त हेयर कट हो गए, उसका वैक्सीनेशन हो गया है। अब उसको आप देख पाओगे, उसकी आंखें दिख रही है। जेफी नहीं दिखेगा वो, सो मेरी राखी आ चुकी है, मैंने उसको खोल दिया है। मिंत्रा से मैंने मंगवाई थी कीवा की, अभी इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना हो तो यू कैन सी ऑन माय शॉप चैनल। और आई गेस वो रक्षाबंधन के दिन आ जाए जब मैं राखी बांधूंगी, तो तभी रिवील करूंगी ऑफकोर्स। अभी मेरी मम्मी बना रही है सब्जी एंड आई एम मेकिंग दिस, नॉट आई एम बट मैं और मेरी मम्मी, मूंग दाल का हलवा, जिसके लिए हमने दाल को धो के सिर्फ रख दिया है ऐसे कपड़े पे। और उसको कितनी देर रखना है मम्मी? दस मिनट रखना है, और उसके बाद इसको मिक्सचर में क्रश करेंगे। वो प्रोसेस में देखेंगे। धोई हुई मूंग की दाल जिसको 10 मिनट रखा था, उसको अभी सेकना स्टार्ट कर दिया है मेरी मम्मी ने। Let me show you my pretty mommy. મને આવડે છે જો લીટીઓ આટલું અહીં જો આ પાતળો ભાગ છે ને આટલેથી કાપવાનું અને કાપા પાડતી टाइम टू क्रश दाल। सो एक चम्मच बेसन का आटा डालने के बाद इसमें जाएगा एक चम्मच सूजी रवा जो भी बोलते हैं। ओके ठीक है।
next day. So good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Sapna Mir and today I am vlogging because I am going to meet my friends. जो लोग मेरे साथ हैं 2008 से, लाइक इट्स मोर देन 10 इयर्स वी आर फ्रेंड्स. और आई गेस 3 साल के बाद मैं उन दोनों को मिल रही हूँ. ग्रुप तो हमारा बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से दो लोग हैं जो आज है अहमदाबाद में एंड मैं जा रही हूँ उनको मिलने. एंड आई एम गेटिंग रेडी. आई जस्ट हैड माई शावर एंड वॉश माई हेयर. राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू सम मेकअप विच शॉर्ट यू कैन सी ऑन माई यूट्यूब चैनल. मैं गेट रेडी शॉर्ट कर रही हूँ. So I'm ready now. Little glamorous makeup. I did some little bit eyeshadow in brown shade and applied lipstick, did some blush and did my hair by Dyson. कब से मेकअप कर रही थी? अब तो मेरी एक्सपर्टीज हो गई तो हाफ आवर में मैंने कर दिया. एंड आज मैंने वो स्विस ब्यूटी वाला आईब्रो पैलेट भी मैंने यूज किया है. मैं राह देख रही हूँ मम्मी की जो खिचड़ी बन रही है मसाले वाली वो बन जाए, उसके बाद थोड़ा सा खा लूंगी उसके बाद. A few moments later. निकल पड़े हैं हम. फोन आ गया है. इट्स लाइक सीरियसली इट्स इमोशनल टच की हम लोगों ने इतनी सारी मेमोरीज साथ में स्पेंड की है. भूमि के साथ में तो हम दोनों ने जॉब भी की है तो हम दोनों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है साथ में. हमने लाइक 2016 से मैं उसके साथ थी एंड लगभग 2018-19 तक हम लोग साथ में थे. एक ही जगह पे जॉब करते थे तो एक ही जगह से हम लोग को ट्रैवल भी होता था साथ में. तो वो भी एक अलग ही लेवल का मज़ा था क्योंकि आफ्टर कॉलेज इफ़ यू आर विथ योर कॉलेज बड़ी तो वो मज़ा तो एक अलग ही चीज़ होती है. लाइक जिसके साथ ट्रैवल करने मिल रहा है आपको वो भी गोवा जैसे डेस्टिनेशन में, राइट? तो हम लोगों ने गोवा में साथ में टाइम स्पेंड किया था. एक डेढ़ महीना जितना हम वहाँ पे रुके थे. हमने घूमा भी बहुत है. लाइक लाइफ में फर्स्ट टाइम जो मेमोरीज होती है ना जो बाहर जाने की, मेरी मेमोरीज वो भूमि के साथ ही है. शी वॉज माई फर्स्ट ट्रैवल बड़ी तो यस. उसके बाद तो ट्रैवल बहुत किया लेकिन शी वॉज द फर्स्ट वन जिसके साथ मैंने ट्रैवल किया. गोवा में गूगल मैप को यूज़ किया फर्स्ट टाइम एंड हाउ वी कैन यू नो टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ वाइल डूइंग ट्रैवलिंग एंड बहुत सी चीज़ें. लाइक तब तो हम लोग छोटे थे तो डर भी इतना लगता था यू नो अकेले अकेले घूमने में. और मेमोरीज भी ऐसी ऐसी साथ में की है तो अभी जो मैं मिलने जा रही हूँ ना तो वो सब फ्लैशबैक हो रहा है मुझे कॉलेज से लेके तब तक. प्रार्थना इज द वन जो कॉलेज की टॉपर थी एंड वन ऑफ द टॉपर यस. एंड हम लोग उसी से असाइनमेंट्स लेते थे लिखने के लिए क्योंकि उसका सबसे पहले कंप्लीट हो जाता तो वही कंप्लीट करके हमको देती थी फिर हम लोग उसमें से लिखते थे. फिर उसमें से 3-4 कॉपीज बनती थी आगे जाती थी. जो सब बड़े हो जाते हैं ना तो वो फिर मज़ा ना धीरे धीरे चला जाता है क्योंकि जो छोटे में मज़ा है ना यार वो जिसमें मैच्योरिटी नहीं है. कुछ भी करते हो कहीं पे भी जाते हो वहाँ तब फ्रेंडशिप बहुत मायने रखती है. अब भी रखती है लेकिन अब तुम्हारी लाइफ में दूसरी भी प्रायोरिटीज आ जाती है लेकिन तब ऐसा नहीं होता है ना. तब तो पढ़ाई एंड फ्रेंडशिप दैट्स इट. खाओ पियो ऐश करो पढ़ाई करो एंड फ्रेंड्स के साथ रहो घूमो फिरो मस्ती करो. जबकि अब लाइफ में थोड़ा बड़े होते हैं ना तो काम के स्ट्रेस थोड़े दुनियादारी बढ़ जाती है थोड़ी पर फ्रेंडशिप तो रहती है वहीं पे और पागलपंती भी वहीं पे रहती है. A few moments later. ना आने में देर हो रही है तो वैसे भी मैंने सोचा था कि ना मैं फ्लावर्स लेके जाऊंगी तो अभी यहाँ पे मैं रुकी हूँ तो भैया लेके आ रहे हैं फ्लावर दोनों के लिए. और मुझे लगा 1:30 वो परफेक्ट आ जाएंगे. Thank you.
few moments later. आज मंडे है, मैंने फास्ट किया है. लुक एट मी विदाउट मेकअप. इसीलिए कुर्ती पहनी है क्योंकि आज मैं मंदिर गई थी. जब भी मैं अहमदाबाद आती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ हो ही जाता है. पहले मेरी आई फ्लू हुआ ना, मुझे थोड़ी सी सर्दी है, गले में थोड़ा यूं लग रहा है, और रात को मुझे थोड़ा सांस चढ़ने का प्रॉब्लम होता है. आई डोंट नो व्हाई, जब भी अहमदाबाद आती हूँ तब ही होता है ये. Because ये खुद ही बंदर है. बंदर 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 बंदो 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 बंदो. A few moments later. आज हमारा मंडे का जो फास्ट था उसके लिए मम्मी ने बनाई है खीर. Oh my god. बड़ा हरामी हो. मैंने वो चम्मच अंडल डाल दी. हाय हाय. सॉरी. अच्छी मम्मी है, डांटती नहीं है. नाइस.